जीएमडी ब्रिक्स एंड पावर ट्रैक ट्रैक्टर, दिसंबर माह तक ट्रैक्टर की खरीदारी पर किसानों के लिए आकर्षक उपहार। हमारा पता है बैरिया चौक टीवी टावर के नजदीक डाल्टनगंज। मोबाइल नंबर 6206777767। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन की अध्यक्षता में आज दिनांक 18 दिसंबर 2020 को समाहरणालय के सभागार में कोविड वैक्सीनेशन जिला टास्क फोर्स की दूसरी बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने कोरोना के लिए आने वाले संभावित वैक्सीन के सुरक्षित रखने के तथा उसके वितरण तक के कार्य की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने विशेष निर्देश देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन को प्राप्त करने से लेकर उसे व्यक्ति को देने तक की सभी व्यवधानों का पहचान कर तैयारी सुनिश्चित करे। बैठक के दौरान डीपीएम स्वास्थ्य दीपक कुमार ने बताया कि सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी है। इसके लिए जिले से 7500 व्यक्तियों की सूची बनाकर राज्य को अग्रसारित कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रखंड तथा जिला स्तर पर वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उपायुक्त ने बताया कि संभावित वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखा जाना है। ऐसे में उन्होंने जिले में मौजूद सभी डीप फ्रीजर तथा अन्य आधारभूत संरचना को दुरुस्त रखने की बात कही। उपायुक्त ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार पहले चरण में सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स का ही टीकाकरण होगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे संयम रखेंगे और वर्तमान में सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे। बैठक में मौजूद WHO की प्रतिनिधि बालिमा देवगम ने बताया कि पोलियो टीकाकरण के लिए 17 जनवरी 2021 को निर्धारित किया गया है। इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टीका दिया जाए, इसके लिए उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों को पल्स पोलियो बूथ के रूप में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने पल्स पोलियो के टीकाकरण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। कोविड 19 के संभावित वैक्सीनेशन के संदर्भ में जिला टास्क फोर्स के बैठक के दौरान उपायुक्त जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन के अलावा उप विकास आयुक्त श्री शेखर जमुआर, सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी, डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद आफ्ताब आलम, DPM स्वास्थ्य दीपक कुमार, यूनिसेफ एवं WHO के प्रतिनिधि सहित विभिन्न प्रखंडों से आए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद थे।